डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अगले 2 से 3 दिनों में यूपी के अधिकतर जिलों में भीषण ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने मुताबिक अगले 2 दिनों में यूपी के 35 जिलों में हाथ कपा देने वाली सर्दी और धुंध पकड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में ठंड बढ़ने और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 36 जिलों में तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना है उनमें मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती शामिल है। इसके अलावा सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, माहौब, ललितपुर और झांसी में भी अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। बढ़ती ठंड को देखते हुए DM दीपक मीणा ने 12 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक सभी बोर्ड्स के स्कूल की छुट्टी के आदेश दिए हैं। अब ठंड तो सभी को लगती है, उसमें जानवर ही क्यों ना हो। DM दीपक मीणा ने जानवरों के प्रति भी संवेदना दिखाते हुए गौशालाओं का निरीक्षण किया है और तमाम गायों का हाल जाना और उनको ठंड से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम के आदेश दिए। देखिए उस दौरान की तस्वीरें। DM दीपक मीणा ने उस दौरान यह जानकारी दी। निरीक्षण किया है, कहां कहां पर निरीक्षण किया और क्या क्या खामियां मिली और क्या क्या दिशा निर्देश दिए? नहीं, देखिए सभी नोडल ऑफिसर्स और सभी मजिस्ट्रेट्स को ये निर्देश पहले से थे कि अपने रैन बसोरों का, अपनी गौशालाओं का, इन सब का निरीक्षण करें, क्योंकि कोल्ड वेव है और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है। और इसी क्रम में सभी अधिकारी निरीक्षण कर भी रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे खरकौदा के शेल्टर होम और उधर की गौशाला और यहाँ सौराब गेट पे भी एक नगर निगम का अस्थाई जो रैन बसेरा बनाया उनका निरीक्षण किया। तो यहाँ पे व्यवस्था ठीक है, सभी लोग सो रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं कि जिनकी सुबह बसेज हैं, आसपास यहाँ रुकते हैं। थोड़ा महिलाओं के लिए एक अलग से व्यवस्था और बैठक करने के लिए कहा गया है। बाकी ठीक है, यहाँ पे टॉयलेट्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, SBM के तहत यहाँ पे काफ़ी अच्छे टॉयलेट्स बने हैं जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं। तो लगातार इंस्पेक्शन चल रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब कोई परेशानी ना हो इस सर्दी में और हर जगह उनकी व्यवस्था रहे, चाहे वो अलाव की हो, चाहे वो रैन बसेरे की हो। और पशुओं को भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और कोई भी जनहानि या कोई भी पशु हानि सर्दी की वजह से। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।